बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 21 रमज़ान और मौला अली अलैहिस्सलाम की नमाज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम 21 रमज़ानुल मुबारक के हवाले से चंद हकायक आपके सामने पेश करना चाहते हैं। इस वीडियो में आपके लिए ख़ास, बहुत ही ख़ास पैगाम है, इसे मिस ना होने दें और इस वीडियो को आखिर तक देखें। 21 रमज़ानुल मुबारक को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे महबूब बहादुरी में अपनी मिसाल आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेहतरीन मुहाफिज खातून जन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ही प्यारी बेटी बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के शोहर हज़रत हसन व हुसैन के वालिद मोहतरम जनाब हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शहादत का दिन है। रसूल अल्लाह के नज़दीक हज़रत अली का क्या मुकाम था, इसका तज़किरा सही बुखारी की एक हदीस मुबारक में यूँ हुआ है। बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हम रसूल अल्लाह के साथ हज्जतुल विदा के मौका पर आए। आपने रास्ते में एक जगह नज़ूल फरमाया और सबको इकट्ठा होने का हुक्म दिया। फिर हज़रत अली अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़ा और फरमाया, क्या मैं मोमिनों की जानों का मोमिनों से ज़्यादा हकदार नहीं हूँ? सहाबाए किराम ने अर्ज़ किया कि क्यों नहीं? आप सरकार ने फरमाया, क्या मैं हर मोमिन का उसकी जान से ज़्यादा हकदार नहीं हूँ? सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया कि क्यों नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अली दोस्त हैं उसके जिसका मैं दोस्त हूँ। ए अल्लाह, जो अली से मोहब्बत रखे तो उससे मोहब्बत रख, जो अली से अदावत रखे तो उससे अदावत रख। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला अली की सेहत का किस कदर ख्याल रखते थे, इसका जिक्र सही बुखारी की एक हदीस मुबारक में यूँ आया है। उम्मे मंज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहती हैं कि रसूल अल्लाह हज़रत अली अलैहिस्सलाम के साथ मेरे घर तशरीफ़ लाए। हमारे घर खजूर के खोशे लटके हुए थे, रसूल अल्लाह उसमें से खाने लगे और आपके साथ मौला अली भी खाने लगे। रसूल अल्लाह ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम से फरमाया कि अली, ठहर जाओ ठहर जाओ, इसलिए कि अभी अभी बीमारी से उठे हो, अभी कमज़ोरी बाकी है। उम्मे मंज़र कहती हैं कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम बैठ गए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाते रहे। फिर मैंने उनके लिए चुकंदर और जौ तैयार की। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली, इसमें से ले लो, खाओ, ये तुम्हारे मिजाज के मुवाफिक है। नाजरीन, रसूल अल्लाह के नज़दीक मौला अली का क्या मुकाम था कि उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि ए अल्लाह, जो अली से मोहब्बत रखे तो उससे मोहब्बत रख और जो अली से अदावत रखे तो उससे अदावत रख। नाज़रीन, हमारे बुज़ुर्ग इस फरमान मुबारक की फजीलत में बयान फरमाते हैं कि कोई भी शख्स अल्लाह ताला का कुर्ब उस वक्त तक नहीं पा सकता जब तक उसे रसूल अल्लाह का कुर्ब नसीब ना हो, और रसूल अल्लाह का कुर्ब पाने का सबसे बड़ा राज यही है कि हर उस चीज़ से मोहब्बत की जाए जिससे रसूल अल्लाह को मोहब्बत है, और हर उस चीज़ से नफ़रत की जाए जिससे रसूल अल्लाह को नफ़रत है। अगर कोई शख्स इस पैमाने पर पूरा उतरता है तो कोई शक नहीं कि उसे रसूल अल्लाह का कुर्ब और उनकी मोहब्बत नसीब होगी इंशाल्लाह। और जिसे मालिक कायनात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और कुर्ब मिल गया तो वो यकीन कर ले कि उसे खुदा का कुर्ब यकीनन नसीब होगा। नाज़रीन, रसूल अल्लाह की हज़रत अली अलैहिस्सलाम से मोहब्बत को देखते हुए हम सब भी लबैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाते हुए हज़रत अली अलैहिस्सलाम की मोहब्बत अपने दिल में रखते हैं। इसी मोहब्बत में हम आज हर शख्स को ये पैगाम देना चाहते हैं कि ज़रा सोचिए कि जिस हस्ती से रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी मोहब्बत की कि ज़रा सा बीमार हुए तो उन्हें खजूर खाने से मना करते हैं कि कहीं सेहत ख़राब ना हो जाए, तो उन्हीं हस्ती हज़रत अली अलैहिस्सलाम को उस वक्त खंजर मार कर उन्हें शहीद करने की कोशिश की गई जब वो 19 रमज़ानुल मुबारक को मस्जिद में अल्लाह के हजूर नमाज अदा कर रहे थे। नाज़रीन, ये कैसी नमाज मौला अली सरकार ने अदा की कि जब वो मस्जिद में दाखिल हुए तो अपने सोए हुए कातिल को खुद ही जगाया कि उठो नमाज पढ़ो। नाज़रीन, उसी इब्ने मुलजम ने जब मौला अली अलैहिस्सलाम पर उस वक्त खंजर चलाया कि जब वो नमाज पढ़ रहे थे, तो खंजर लगने के बाद 2 दिन तक हज़रत अली अलैहिस्सलाम शदीद तकलीफ़ में रहे और आखिर 21 रमज़ानुल मुबारक को वो इस दुनिया से रुख्सत हो गए। नाज़रीन, इस बात पे ज़रा गौर व फिक्र कीजिए कि रसूल अल्लाह जिनसे इतनी मोहब्बत और उनका इतना ख्याल रखते थे,
कि अपनी लाडली बेटी जनाब बीबी फातिमा तुज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का हाथ मुबारक उनके हाथ मुबारक में दे दिया और अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह मैं अली से मोहब्बत करता हूँ, तू भी उससे मोहब्बत रख जो अली से मोहब्बत रखे। तो जब उस अली को अल्लाह के घर में नमाज अदा करते हुए शहीद किया जा रहा था तो अगर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त ज़ाहरी तौर पर दुनिया में होते तो उनके गम का क्या आलम होता उस वक्त? क्या सहाबाए कराम उन्हें गमगीन देखकर बर्दाश्त कर पाते? क्या रसूल अल्लाह का जिक्र उस वक्त पाश पाश नहीं हुआ होगा कि जिस उम्मत की भलाई के लिए वो अल्लाह से दुआ करते थे उसी उम्मत का एक शख्स जिसका नाम इब्ने मुलजम था वही उठकर कायनात के वारसों को अल्लाह के घर में शहीद कर देता है और उसे अपने ऊपर ज़रा भी रहम नहीं आया कि मैं किस हस्ती पर जुल्म की इंतहा कर रहा हूँ। नाज़रीन, उसे इस दर्दनाक हरकत के करते हुए ख्याल तो यकीनन आया होगा कि रसूल अल्लाह ने फरमाया कि ए अल्लाह जो अली से अदावत रखे मैं उससे अदावत रखता हूँ, तू भी उससे अदावत रख। यकीनन उस बेरहम शख्स पर उस वक्त अल्लाह और रसूल अल्लाह की ज़ात अक़दस और कायनात की हर चीज़ लानत कर रही होगी। नाज़रीन, हम रसूल अल्लाह की जान से प्यारी हस्ती हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शहादत का गम अपने दिलों में हर 21 रमज़ान को महसूस करते हैं और हम ही नहीं गैर मज़हब अफराद भी 21 रमज़ानुल मुबारक योम शहादत हज़रत अली अलैहिस्सलाम में आंसू बहाकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी मोहब्बत का सबूत पेश करते हैं। नाज़रीन, हमारे रूहानी सिलसिले में 21 रमज़ानुल मुबारक योम शहादत हज़रत अली अलैहिस्सलाम के सिलसिले में दुरूद पाक कसरत से पढ़ा भी जाता है और दूसरों को भी पढ़ने की ताकीद की जाती है। अलावा अजीम सिलसिले के तमाम मेंबरान दो दो नफल अदा करके रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालेही वसल्लम को तोहफ़तन हदियातन पेश करते हैं। उसके बाद उन सब अफराद के लिए हमारे दुआ प्रोग्राम के लाखों मेंबरान अल्लाह के हजूर खसूसी दुआ करते हैं कि या अल्लाह 21 रमज़ानुल मुबारक में अपनी अश्कबार आँखों से तेरी बारगाह में ये फरियाद करते हैं कि हम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वालेही वसल्लम के लाडले हज़रत अली अलैहिस्सलाम के गम में नवाफिल और दुरूद पाक का तोहफ़ा पेश करते हैं, इसे कबूल व मंजूर फरमा, आमीन। नाज़रीन, अगर आप भी हमारे दुआ प्रोग्राम में 21 रमज़ानुल मुबारक को खुसूसी दुआ करवाना चाहते हैं तो कोई सा भी दुरूद पाक 110 मरतबा पढ़ें और दो नफल हदिया पंचतन पाक अदा करके कमेंट बॉक्स में अपना नाम और वालदा का नाम लिख कर हमें अरसाल करें। इंशाल्लाह हम आपका नाम दुआ प्रोग्राम में शामिल करके आपकी मोहब्बत का ये नजराना अल्लाह के हजूर पेश करके आपके लिए खसूसी दुआ करवाएंगे। खुदा आपकी मोहब्बत को कबूल फरमाएं, आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मज़ीद रूहानी मसाइल के हल के लिए हमारी वेबसाइट www.pray.net.pk पर विज़िट करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।